अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं सारे दोस्त मुझे उम्मीद है कि आप खरी से होंगे फ्रेंड्स आज की वीडियो हम करेंगे स्टार आठ सौ पैंसठ कल एक पैरे करते करते थोड़ा सा मसला आ गया था तो ये वाला मैं दोबारा से करवा देता हूँ आप इसको जहर नशीन कर दीजिएगा तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं मितछुलछन गियन मूसन थी छिमनी दा ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ना उसको कह रहा है मिथुल छिन गियोक गिये गियोक जो है मूसं सिमनी शिमनीदा के कौन सा इसका मतलब क्या है ठीक है अंडरलाइन का मतलब क्या है उसम या किमिदा के हंसना बहुत ज्यादा जो है एक अच्छी दवाई है उसमन और इगल ही मल चुगो फुद्रप के पंद्रो चुगो उसने कहा कि हंसना मुश्किल कामों को आप जीत सकते हैं जीतने की ताकत देता है थेवारल जो आप बात करते हैं फुद्रोप के नरम नरमी से मांद्रो चुगो करना बनाना ये मांदलदा तो वैसे बनाने में आता है लेकिन आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो है ना फुद्रुप के मांद्रो चुगो के नरमी से बात करने में भी ये आप कह सकते हैं बना के देता है खिंजा खमल ओपके है चुननीदा मुश्किल जो है वो उसको खत्म करके ये मुश्किल को खत्म करता है खिंजा गम होता है मुश्किल पे चिदगी को योना उपके है चुमनिदा खत्म करके देता है ख्रीगो और कुसमल हंसने से स्ट्रेसरल पुरो चुगो जो स्ट्रेस होती है वो भी खत्म होती है खिबोनल सुख के निदा आपका जो मूड है वो भी अच्छा बना देता है खियोक्योक तो छोके हाक की तेमु ने मानी उस मंघू तो छह था। उसने कहा कि आपकी जो जहनीयत है यानी कि आपकी जो मेमोरी है खियो कहते हैं बंदे की यादाश्त को छोके हाक की अच्छी करने की वजह से मानी ज्यादा उस मोन हसे तो खुंबू तो पढ़ाई भी चारहाल सुई सुईसमनी था आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं या पढ़ाई में भी आप होशियार होते हैं जिसे आप कह सकते हैं खनसूरी रो ऊंची आवाज में छाजू उस्मियन अक्सर हंसें तो फ्योंग तो खोछिलदा बिंग प्योंग फ्योंगी बीमारियों से लफजा निकला ये खोछिलसु इसम निदा आप बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं योरोन सबको कह रहा है कि उरी खाची था खाची हम सब इकट्ठे खनसूरी रो आवाज में उसो फुलकायो हंस के देखें फिर उसने आगे कहा कि हा 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 हो 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 यानी कि उसने फिर वो ना हंसने का बताया है तो क्या था फिर जो है ना इसका जवाब अभी देखते हैं याकल दवाई खाओगे तो आप तंदुरुस्त हो जाओगे मानी उसने कहा कि अगर आप ज्यादा हंसोगे तो आप जो है वो तंदुरुस्त रहोगे अपन याकल मोगो यामदा खो खांचोगेदा ये नंबर दो जवाब है कि मानी उसमे खो खांग हेचिमी था कि आप अगर अच्छे ज्यादा हंसेंगे तो आप सेहतमंद हो सकते हैं नंबर दो आप इसको टिक कर लें और आठ सौ छियासठ पे आ जाएं ई खड़ी छेमो करो गोशल खुर उसने कहा कि ई खरीज तहरीर का छेमो करो अनुमान जो है छुक्तंगान कहते हैं एक प्रॉपर मुनासिब गोशल खुर वाली चीज इसमें तलाश करें यूरोबुन यूरोबुन कहते हैं जितने भी आगे बंदे होते हैं सबको खिमची चीज़ें मानते हैं फोपल आलो त्रिमिलके उसने कहा कि खिमची चीजें उनकी डिश का नाम है मंदनन बनाने का फोपल कानून अलो तरीके या तरीका मैं आपको बताता हूँ सिखाता हूँ आजू खानदान है बहुत ही सादा है छेर्योन इसका जो मवाद है जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल होगी खिमची वा थेजिक खोगी मियन ई मान इसम्यन थे यो इनकी जो होती है वो जो आपको पता ही है जो ये इनकी डिश है थेजी खोगी जो गोश्त होता है खंजीर का इसमें थे हो उसने कहा हो तो बस ठीक है ये दो चीजें मंजो पहले थे खोगी फुक से हो उसने कहा कि जो गोश्त है खंजीर का उसको भून लीजिए खोगी का एक जब गोश्त जो है पक जाए तो खिमछी रल नो खाची छोगम थो फुक से हो उसने कहा कि इसमें खिमची मजीद थोड़ी सी और डाल कर

नोहो तो माशी सो हो उसने कहा कि अगर आप थेजी खोगी को खत्म करना चाहते हैं नहीं डालना चाहते इसकी बजाय आप छमची ये मछली का बना होता है थोड़ा सा सोशी ये सारी उनकी चीजें हैं उसने कहा कि वो भी आप लें तो वो मज़ेदार होगी तो क्या था जी ये अभी बताते हैं खिमची की खिमची बनाने का तरीका खिमची चीगे मांदल की खिमची चीज बनाने का माछी नन खिमची खोरगी छेरियो सागे सागी खिमची चीगे बनाने का उसने आज बताया था कि क्या बताया था हाँ खिमची चीगे बांधल फोपल आलो तरीके हो ये उसने बताया था ना तो फिर इसका जवाब क्या होगा नंबर दो खिमची चीगे बांदलगी ठीक है नंबर दो इसका जवाब है आप इसको टिक कर लें इसके साथ आठ सौ सतारस पे आ जाएं ई योरी शेर होगा आधीगो से हो इस खाने का मवाद जो नहीं है वो तलाश करना है आपने ई जोरी रल योरी इस खाने का छेरियोगा का मवाद आनिन गोशियो जो नहीं है वो तलाश करना है ये आपने इधर तलाश जहन में रखना है कि अनिन या कट्ठे की बात कर रहा है या सही बात या मानन बात सही वो आपने देखना है पहले उन्हाजो नल मानदलो हम नहीं था आज फाजो नल मान लियेगा हम नहीं था आज हम फाजुन बनाएंगे फाजोन उनकी कोई डिश है फाजोनी छेरों नन जो फाजोन बनाने का मवाद है था वाह मिलका रो इमनी दा जो है वो प्याज और आटा जिसको मिलकारू कहते हैं आटे को आटा है मिलकरुए मुरुल छल सोकन हु फारल सुरोनो से उसने कहा कि पान आटे में पानी डालकर छल सुखदा कहते हैं कि इस तरह ना उसको जो है ना मिलाना ठीक है आ, हुए हु के बाद फारल सोरो, नौसम निदा। सोरो है टुकड़ा प्याज का टुकड़ा डाल दीजिए ख्रिगो और फिर खुगोसल उसमें उसको फ्राई में फ्राई पैन में नोको इक्की म्योन थेमी दा फ्राई पैन में डालकर पकाएं तो ठीक है मुल्ल यकीनन मोंजो पहले फ्राई पैन है फ्राई पैन में शिकोंग यूरल ऑयल नोए हा, के ऑयल डालना होगा ना योगी ये यहाँ पर ओजिंगो सेव खुल थंगी हे मुरल हम के नोमियन मोन हे मुर फाजोनी थे उसने कहा कि यहाँ पर अभी आप ओजिंगो सेव ये सारे पानी के जानवर हैं उनका ये कह रहा है ये सेव वो होता है ये भी एक मछली टाइप होती है ये भी झींगे को कहते हैं ये सारी उनकी मछलियों के नाम है दंग कहते हैं वगैरह वगैरह को हे मुरल हम के हे मुर भी इनकी कोई चीज़ है उसके साथ मिलकर नो नोम्योन डालें तो हे मुल भाजन ही थेमनी ये हे मुलफाजन आपके तैयार हो जाएंगे तो फ्रेंड देखिए अभी इसमें क्या था कि नहीं जो इसमें डालने वाली चीज़ थी वो डालनी है फा भी था सोलतंग चीनी का कह रहा है मिलकरू शिक ये चीनी नहीं थी ना चीनी का नहीं ना उसने कहा यह फाग की भी बात हुई है प्याज की मिल आ आटे की भी हुई है और शिक्योंग, शिक्योंग यू की भी हुई है बात ऑयल की भी ये लेकिन ये चीनी की बात नहीं हुई तो नंबर दो ही इसका जवाब है आप इसको टिक कर लें और आठ सौ अड़सठ पे आ जाए कि मंगोरे सो नैन मंगो मंगोलिया में सुर माशिल थे शराब पीते वक्त ओ तो के हे का किस तरह किया जाता है या किस तरह करना जरूरी है छ इमन

कभी कंजन हलते का इसमी एक पैग लगाया जाता है या एक पैक लगा लेते हैं खरोलते उस वक़्त हंगुक सारम दल कोरिया के लोगे नन में से सौ सौ मशीनन सारम तो इसमी खड़े खड़े हुए सौ सौ खड़े हुए सुरल मशीनन सारम शराब पीने वाले लोग भी मौजूद होते हैं खरोना लेकिन मंगोरे सौ मंगोल सारम दरन मंगोल के लोग माशिल से शराब पीते वगत सौ सौ मासी का खड़े होकर शराब नहीं पीते हैं अंजा सौ माशियो या हमनी बैठकर कर पीते हैं खिगो और फिर के मोगल से खाना खाते वगत तो बी अंजा सौ मोगो या हमनी दा बैठ कर खाते हैं थिक्की खास तौर पर स्पेशली थारन थारम ही दूसरे लोग छीबे खासिल्ते जो है वो घर जाए तो सौ सौ खड़े होकर कर सुर मासी ना शराब पिए तो अमशिकल मोगनन मोगनन गो अमशिकल मोगनन गोशन खाना खाने वाली जो बात है मंगोरी ये ही ये माजी आंसमीता जो मंगोल की है तकरीबन वो एक जैसी नहीं है मिलती नहीं है तो फ्रेंड ठीक है ये था आपका पैराग्राफ के अभी देखते हैं कि क्या था सवाल है ओतों के है हम नहीं दा सौ सौ माशिया खड़े होकर पीते हैं अंजा सो माशिया हम नहीं दा बैठ कर पीते हैं है। तो ये नंबर दो ही जवाब है इसका के मंगोरे सौ सूरमाशी ओथों के है हमनीदा उसने देखा है यहाँ कहा है कि हम बैठ कर हमेशा पीते हैं यानी कि इतनी अदब कर रहे हैं शराब की तो नंबर दो इसका जवाब है अंजा सौ माशिया हमनी दा के बैठ कर पी जाती है तो ये नंबर दो आप इसको लिख ले अठारह सौ उनहत्तर में आ जाए मंगोरे सोन मंगोलिया में सारमदरी लोग मानी हमनी का कब ज़्यादा ट्रैवल करते हैं मंगोल के लोग कब ज़्यादा ट्रैवल करते हैं योरबो ईबोन में मंगोलो नुलो खास हो उसने कहा कि जो हजरात ईबोन में इस दफ़ा गर्मियों में मंगोल लो नोलो ऐसे हो मंगोलिया की तरफ घूमने फिरने के लिए आएँ मंगोरी मंगोलिया का शिरवोरल नालशे का छोआ सातवें महीने का मौसम जो है वो अच्छा होने की वजह से योहेंग ट्रैवल करना छोसम निदा अच्छा है फोम नैन मौसम बहार में फारम ईमानी फूल गो हवा बहुत तेज चलती है खागरे नैन मौसम खजा में खूरन छुम्बी है या हक की तेमुने मौसम सरम उसने कहा कि मौसम खजा में मौसम सरमा की तैयारी करने की वजह से फप बिजी होना खऊर नैन नामू छुवो सो और मौसम सरमा में बहुत ज्यादा सर्दी होने की वजह से योहेंग हा गीगा नापम निदा ट्रैवल करना बुरा समझा जाता है या बुरा है ताहम यम नन मौसम गर्मा में शिवोन है सो ठंडा होने की वजह से शर्म दरी योहेंगानिम निधा लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं तो फिर कब करते हैं जी सतवें महीने में योरम में मौसम गर्मा में तो आप फिर इसको टिक कर लें जी नंबर दो ही इसका जवाब है क्योंकि फोम में उसने कहा है कि जो है ना क्या कहा है उसने फोम में फोम में फारीमी मानी फुल गो हवाएं बहुत ज़्यादा तेज चलती हैं यूरम में उसने कहा कि आओ खाल में उसने कहा कि हम जो है वो सर्दियों की तैयारी करते हैं इसलिए बिजी होते हैं तो नंबर दो जवाब है इसका वो टिक कर लें नंबर आठ सौ सत्तर है कि मंगोली मंगोलिया का शिप इरेमन सिब निका कि मंगोल का जो रिवायती घर है उसका नाम क्या है मंगोरी छोथोंग चीबन खर खेर रागो हमनीदा खेर खेर ये देखें ये जो आपकी ये जो होती है ना जब बड़ा इसको खे कह रहे हैं जब ए आगे आएगा ना उसको खेर कह रहे हैं खेर रागो हमनीदा मंगोल का रवायती जो घर है उसको खेर रागो हमनीदा खेर कहते हैं यही इसका जवाब तो निकल आया लेकिन वैसे फिर भी तफसील पढ़ते हैं खेर खेर नन, खेर जो है नामू फ्योकल, सेवुगो लकड़ी की दीवार खड़ी करते हैं खे उसके ऊपर खाजुक रो मांधन खाजुक खाजुक मेरे ख्याल में चमड़े को कहते हैं लेदर चमड़ा होता है मेरे ख्याल में। मानदन बना हुआ उ, सेवो सो मांधा उसके उसने कहा कि वो ऊपर डालकर उसका बनाया जाता है खेड नन नन जो खेर है मौसम शर्मा में फार्मल माका चुगोस हो हवाए बहुत ज्यादा जो है ना माका हो, तातत, आ, हागो जोरा में हित बिछी मागा चुओ चुस हो शिवन हमनीदा

यानी कि ये घर जो है वो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में सरद रहता है यानी कि वो लकड़ी की दीवार खड़ी करते हैं और ऊपर है वो चमड़े का जो बता रहा है कि वो डालते हैं चमड़े के अलावा भी शायद कुछ हो सकता है वो आप देख लीजिएगा दोबारा इंग्लिश भी नीचे लिखी हुई है तो फिर इसका जवाब तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि क्या था जी यानी घेर खेर खेरी इसका जवाब है नंबर दो तो आप इसको टिक कर लें तो ये आपके आठ सौ सत्तर तक का पैराग्राफ्स मुकम्मल हो गए हैं तो यार देखो पेपर हो रहे हैं लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप देख रहे होंगे कि कमेंट में कितने लड़के नए आ रहे हैं मुझे व्हाट्सएप पे एस कर रहे हैं तो काइंडली यार जितने दोस्त वीडियो को देखो एक दफ़ा ज़रूर अपनी अपनी एफ पे ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा ताकि मजीद दोस्त आके इधर से पढ़ सकें तो ठीक है फ्रेंड्स दुआओं की अपील है इन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए सब दोस्तों को खुदा हाफिज़